तो तुम ऐसे नहीं तैयार होना, ये कलर नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं, ये नहीं, ये पूछो सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनवा लिया, ये नहीं। अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है ना होटल में, नाश्ते जब बनाने पड़ेंगे तो पता चलेगा। बनाएंगे सर, आपने बड़ा ट्रेंड कर दिया दो दिन में। एक दिन में, एक दिन में, एक दिन बिछाई के नहीं, गलत बोल रही हूँ, दो दिन कहाँ से। शाकिब भाई की कल से अब तक कोई शिकायत आपको हुई है? नहीं। सबसे बुरी बात, इनकी जो आदत अच्छी ना लगी हो, आपका दिल खराब हो गया, फिर भी कोई तो होगा। अरे सोचे बोलना चाह रही, अम्मा को बताएंगी, अपनी शिकायत करेंगी अम्मा को बताएंगी, भाई मुझे इनकी ये आदत अच्छी नहीं लगी। नींद में बड़बड़ाते तो नहीं है? नहीं नहीं, ये मुजरिम की तरह सर झुकाए क्यों बैठे हैं आप? सारी जिंदगी मुजरिम है ये, सारी जिंदगी। ऐसी बीवी मिली है कि ये ऐसी दो होनी चाहिए थी ना। नहीं, एक ही काफी है बहुत। आपकी हो गई शादी, इनकी हो चुकी है, इनकी हो चुकी है शादी, टूटे फूटे लगे। मेरे पे ध्यान दे दो तुम लोग, किसी ने नहीं दिया। पूरी शादी के फंक्शन में कोई लड़की नहीं मिली? मिली थी, तौबा। मामू रहने दे, मामू अच्छन मामू बस। मामू मामू क्यों बोल रहे हो? अच्छा अच्छन मामू, अपना नाम चेंज कर ले तो हो सकता है लड़कियाँ फिर भी आपकी तरफ देखे। ऋतिक वो के कहती होंगी, सिर्फ ऋतिक निकाल देती होंगी, क्या मतलब? अच्छा कॉल 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। शादिया की कॉल ड्रॉप हो गई, किसी पाकिस्तानी की लग रही थी क्या? ड्रॉप हो जाती है ना आपकी। देखिए इंडिया से आए हुए मेहमानों के ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करते अपने क्रिकेटर्स को, हम खुद भी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान दूसरों का नहीं बर्दाश्त करेंगे। दोनों मुल्कों के एक जैसे लोग हैं, सब एक जैसे हैं, आवाम तो एक जैसे, सब एक जैसे हैं भाई। इंडिया पाकिस्तान, खुद तो इंडिया काम करके आ गए ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, काम की बात नहीं है, वहाँ भी मोहब्बतें हैं, यहाँ भी मोहब्बतें हैं, है ना भाई? मोहब्बत समेटने वालों में यहाँ ज्यादा मोहब्बत है, और उमेर की सबसे बड़ी मोहब्बत है। मैं इसलिए यहाँ तो शादी करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज आई नहीं, आप क्या हो गया? आप दे नहीं रहे, तुम्हारी शादी हो गई है, सब बदला मत लो दुनिया से। तुम यार ये कौन है बच्ची? मामू ये पट्टी उतार के देखेंगे तो नजर आएगी। बच्ची बोल दिया मुझे, बच्ची है ये, कह रहा हूँ। या आप खुद अंदाजा लगाएं किससे शक्ल मिल रही है इनकी, याद करें कुछ याद करें, याद करें कि फिल्मों शिल्मों में कभी देखा इनकी अम्मा को आपने? कौन? अंजलीब की बेटी है ये जी। और कभी जिंदगी में मैंने हो सकता है इनकी बेटी का किरदार कहीं किया? अरे मैं नहीं हूँ मैं, यार मैं क्या हो गया इसको? जी कॉल 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 कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आपने तो रौनक लगाई हुई है यार। थैंक यू बहुत बहुत। आप मुझे बताएं इस रौनक ने आपकी टेंशन को कुछ कम किया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो यकीन करो कि थोड़ी देर के लिए बता थोड़ी अप्रेश हो जाता है। और ये कि इतना अच्छा लग रहा है, ये शाकिर भाई की शादी की तो मुझे बहुत अच्छी हुई। जब आप ये क्वेश्चन पूछा था ना तो मैं रोज ट्राई करती थी लेकिन मेरा नहीं मिला। मैंने बताना था आपको क्या ये शाकिर भाई की शादी करवा रही हैं आप? मेरी भी करवा रहे उसे कह के। हाँ तो आपने तो तीसरी चौथी कर दी होगी। बस अब अगले कैंडिडेट ये हैं हमारे सेगमेंट रिश्ते नाते के अगले कैंडिडेट ये हैं। अच्छा पिछले दिनों रमजान शरीफ में ना अपने एक मौलवी साहब थे आए हुए थे, उन्होंने मुफ्ती साहब थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी तो मैंने कहा था मैं आपको इस मौके पे शेयर करूं। कि उन्होंने कहा कि जो लड़की आपके घर में आती है ना शादी होके, आप उसका ज्यादा ख्याल रखिए थोड़ी देर के लिए, थोड़े से के लिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आती है। आप लोग तो उसी घर में होते हैं, बिल्कुल सब कुछ वहीं पे होता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आती है, उसके लिए थोड़ी देर के लिए आप उसको ज्यादा टाइम दें तो वो भी आपके लिए इतना ही ज्यादा करे। हमारे दोनों दूल्हा सुन नहीं है। एक बात मैं आपसे कहूँ थोड़ी सी, बहुत जरूरी, एक छोटी सी बात कहूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक लड़की जब छोड़ के आती है ना सबको, बाद में आके छुड़वा भी तो देती है सबको। नहीं ये गलत उसमें ये होता है कि उसके लिए ये अच्छा होता है कि वो उसको भी टाइम भी मिल जाता है आपके वालों से करने के। और फिर उन्होंने ये बात की कि माँ बाप जो है उनके पास ऑप्शन दूसरी औलाद का भी होता है कि वो उनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मियाँ के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। मियाँ को दूसरा ऑप्शन देना भी नहीं चाहिए, मसला हो जाएगा बहुत। अच्छा कहते हैं मियाँ के लिए दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं होता। और मियाँ के लिए दुआ भी बहुत करती है कि अल्लाह मियाँ मेरे मियाँ को बहुत देना, ये भी एक टेक्निकल काम है कि भाई मियाँ को दे देना, इससे तो मैं ले लूंगी। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया,
ये जो आपने बात की ना कि मुफ्ती साहब ने बताया है, बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कपल्स, और हमारे यहाँ ये तो बहुत रिवायत क्या है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं माँ बाप के, भाई बच्चों के रिश्ते करने से पहले हम किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि फला फला का रिश्ता मेरे बेटी के लिए, सारा सब कुछ इस पे बात पर डिस्कस करेंगे जब मेरा रिश्ता तय होगा। मैं आज वहाँ पता है हमारे जब बलीमे में इतनी क्या बातें हो रही है यहाँ। हेलो, ये क्या बात, हेलो, कैमरा जो ना खुला हुआ है, कैमरे का मुंह बंद नहीं है। सारे लड़ाई झगड़े यहाँ डिस्कस नहीं हो रहे, नहीं लड़ाई नहीं कर रहे, मोहब्बत है, बात पूछ रहे थे, बात पूछ रहे थे। माफी एक बात कर, इससे कभी भी इंशाल्लाह लड़ाई नहीं होगी, आप नहीं होगी बिल्कुल, आज तो मैं वादा भी करा के रहूंगी कि लड़ाई नहीं होगी, और नुसरत ऐसी गारंटी दूंगी यहाँ आने तुम्हारे आए घर ना लड़ाई। मैं कहाँ बैठू, हम दोनों क्यों खड़े हुए, एक मिनट, लेकिन मैं किसी के हक में तो बैठ जाए अल्लाह के वास्ते जो है, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में और हमारे शो में हमने उन्हें बुलाया भी है सिर्फ इसलिए कि आप भी उनसे बात कर सकें, और शाकिर भाई के बारे में और उमेर और सदफ के बारे में प्रिडिक्शन कर सकें आगे की लाइफ के बारे में। लेकिन आज आप भी एज एन एस्ट्रोलॉजर एक रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे कॉलर आपको शाकिर भाई और नुसरत की जिंदगी के बारे में आगे क्या लगता है कैसी होगी, कोई टिप भी दे सकते हैं इन्हें और इनकी जिंदगी के बारे में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे कपल जो नंबर टू है इसके बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मजेदार गेम होगा ये, मैं इनका बता सकता हूँ, बहुत अच्छी लाइफ। एक मिनट, इससे पहले कि हम और आगे कुछ बताएं, अच्छे मामू एक और गेस्ट आ गए, उन्हें लेने चलते हैं। चलो, और इतने प्यारे गेस्ट आए हैं, मुझे लगता है अगर तो वो मेरी बात माने और मुझे सुन रहे हो तो वही वाला गाना गाते हुए आए जो इन दोनों कपल्स के लिए आज सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। लेट्स वेलकम तहसीन जावेद। अच्छा, मेरे दिल से दूल्हा और दुल्हन को बल्कि चारों को बहुत बहुत मुबारक के साथ, ओ खानम को जावेदी, ओ खानम को जावेदी, ओ खानम को जावेदी, ओ खानम को जावेदी, जिंदगी कहने लगी मैं तेरा तू है मेरी, ओ खानम को जावेदी, ओ खानम को जावेदी, जिंदगी कहने लगी मैं तेरा तू है मेरी, ओ खानम को जावेदी, खानम को जावेदी, जिंदगी कहने लगी मैं तेरा तू है मेरी, ओ खानम को जावेदी। लगी मैं तेरा तू है मेरी, ओ खानम को जावेदी।
से मिलने के लिए तू भी बेताब है, तेरे दिल सारा जहां सुना सुना लगे। मुझसे मिलने के लिए तू भी बेताब है, तेरे दिल सारा जहां सुना सुना लगे। यूं ही दिन रात कटे, यूं ही दिन रात कटे, यूं ही दिन रात कटे, यूं ही दिन रात कटे। शादी मुबारक पाकिस्तान। एक साहब ने मुझे बाहर से फोन किया, इतने बड़े किंग हैं वो, उन्होंने मुझे बाहर से फोन किया, उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, अंदर आ जाऊँ क्या? मैं कहा ठहरे जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपकी एंट्री कराते हैं। वह खुद लेने बाहर पहुँच गई थी। और हाँ, इससे पहले कि आप उनको देखेंगे वो कौन है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो दुल्हनों ने पहना है इसका रेप्लिका आपको मिल सकता है। कैसे? 436 पे ज्यादा से ज्यादा SMS करें यार, और हमारी दुल्हन ने जो ड्रेस पहना वो जीत के ले जाए उसी तरह का एक। और इसी तरह से ग्रूम्स के ड्रेसेस भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन करना ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा SMS करने होंगे। लगाते रहें उस पर अपने SMS पे, फन भी रहेगा, प्रोग्राम भी देखते रहें और ये करते रहें। और साथ साथ अब बताते हैं हम आपको कि कौन आ गए हैं फूल ऊपर इतना। ओए होए होए, पता ही नहीं चला। हेलो नुमान, आ जा देखे, वो भी आपको खुश आमदेद कह रहे हैं। आपके हेलो हेलो, हीरो आ गए, हीरो आ गए, हीरो आ गए। स्टार प्लस की हीरोइन क्यों भाई, कहाँ से? जैसे लगा तो मैंने कह दिया। और कैसे हैं आप? प्लीज आप जी 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 अच्छा मामू, कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा जो मंजन बेचता जल्दी बेचता, स्टाफ उतरना है। अच्छा अच्छा जी, चूँकि हमारे मेहमान अब काफी आ चुके हैं और साथ साथ आते भी रहेंगे, आप किधर किधर अर्चन मामू तहसील जावे, तो मुझे तो बात करने थी थोड़ी सी। जानते हो ना बच्चे को? हाँ, अभी तुमने तारुफ तो कराया। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। ये नुमान है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है, बहुत इज डूइंग वेरी गुड। मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा है अपनी तारीफ करने के लिए। मुझसे कांटेक्ट करा ना, मैंने देखी हुई एक मोहल्ले में। अच्छा, कौन है ये? बोले कि बिल्ली ने बच्चे नहीं दिया। आप इनके लिए भी तो ढूंढे? इनके लिए ढूंढी भी है, कॉलेज भी कॉल करके हमें आज बता रहे हैं। लेकिन आज मैं पूछती थी कि जो मुंह दिखाई की रस्म होती है, कि लड़के ने मुंह दिखाई, कि लड़के ने बंदे ने अपनी बीवी को एक दूसरे का मुंह देख लिया, खत्म। कौन गुची देता है, कोई ब्रेसलेट देता है, कोई गिफ्ट देते हैं? अच्छा, और एक दूसरे को दुआएं दी इन्होंने तो? उमेर नहीं, एक दूसरे को दुआएं दी। उमेर ने क्या, अल्लाह तेरा स्वास्थ्य सलामत रखे। उमेर ने सुबह बता दिया है इसको, जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ किसने क्या दिया, क्या दिया सदर? अच्छा, पक्के कर दिया है दोनों? तू भी ब्रेसलेट ही कह ना, हमेशा कह रहा था, पता नहीं मैं ऐसे कह रहा है। मैंने सोचा कि हम पहन के आऊँ, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, अब इतना पुराना ब्रेसलेट हो गया है, नया लेना चाहिए। अच्छा, ये शादी के वलीमे के दिन चाहे वो रिंग हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे कोई चीज हो, बंदा बंदी जाती नहीं। और मैं ये तो नहीं उतारू, थोड़े दिन तक तो नहीं उतारती, उसके बाद कॉल है। कोई कॉल है? कॉल है, बिल्कुल कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम, रिश्ते की बात कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? आपको वलीमा मुबारक बहुत बहुत जी। मैं ठीक ठाक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी रही सारी शादी, और मैंने सारा जितने भी फंक्शन है सब देखा है, कुछ भी मिलते ही किया। थैंक यू यार, कैसा लगा? सब ठीक था? सब भी बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त। बल्कि हमारे घर की शादियों के लिए भी बहुत कुछ देखने को मिल गया, सीखने को भी बहुत मिल गया है ना। कपड़ों के डिजाइन तो मिल ही गए, डांसेस भी मिल गए, तैयार 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 शुदा डांसेस जी। और आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमारी दुल्हन देखे रौनक तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और शाकिर भाई तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। शाकिर भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। शाकिर भाई ने माल जी का जो सूट पहना है ना, उस पर कुछ चमक ही आ गई है आप पे। अच्छा ये बताइए।